हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? बुंदेलखंड की रियासत हमने स्टार्ट कर दिया था मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत, जो कि हमारे MBPSC MPSI पटवारी और जो अदर एग्जाम है MP के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशल जो हमारी MBPSC की प्री होती है और मेन्स, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुंदेलखंड रियासत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेन्स में है पूरी एक यूनिट जो रियासत के बारे में दी गई है, तो ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। यूनिट 5 में क्या पूरी रियासत बुंदेलखंड रियासत है, बघेलखंड रियासत है ना, और भोपाल रियासत है, होलकर रियासत। तो हमें ये सारी रियासत हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो हमने क्या बुंदेलखंड रियासत में स्टार्ट कर दिया था कि बुंदेलखंड रियासत की जो रूपरेखा है हमने वो देख ली थी कि स्थापना कैसे हुई है ना, किसके द्वारा की गई। तो बुंदेलखंड की जो स्थापना है वो छत्रसाल के द्वारा की गई थी ना। छत्रसाल ने अपने 3 पुत्रों में बुंदेलखंड की जो छोटी छोटी रियासत है इनको बांटा था, है ना। तो कौन थे इनके पुत्र? एक हृदय सां थे, सेकंड जगतराज, और तीसरे इनके पुत्र थे बाजीराव पेशवा बाजीराव, है ना, जिनको इन्होंने पुत्र माना था। और जो मस्तानी नामक नर्तिका है वो किसको पुरुष मतलब दी थी? बाजीराव प्रथम को दी थी, क्योंकि बाजीराव प्रथम ने छत्रसाल की सहायता की थी, इसलिए, है ना, जो मोहम्मद बंगस है उनके आक्रमण से, है ना। तो हमने क्या हृदय सां को कौन गढ़कोटा, है ना, सहागढ़ हो गई, है ना, गढ़कोटा रियासत हो गई, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सहागढ़ रियासत ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद और भी रियासत है, पन्ना रियासत, ये किसके अंतर्गत है? हृदय सां को दी गई थी। और जगत राज को कौन सी? जेतपुर रियासत, अजयगढ़ रियासत, है ना, अनेक ये रियासत दी थी। और बाजीराव प्रथम को कौन कौन सी रियासत? सागर रियासत, है ना, कपाली और झांसी रियासत किसको दी थी? पेशवा बाजीराव को दी थी, है ना। और हमने देख लिया था जो बुंदे और हम क्या पढ़ रहे थे? ओरछा रियासत, है ना, जो ओरछा रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? रुद्र प्रताप ने की थी। किसने? रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा रियासत की स्थापना की थी, जिसको ओरछा का आदि पुरुष बोलते हैं। किसको? रुद्र प्रताप को क्या बोलते हैं? ओरछा का आदि पुरुष बोलते हैं ना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि ओरछा का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? तो रुद्र प्रताप को ओरछा का आदि पुरुष कहा जाता है। इसके बाद कौन आए थे? इसके बाद मधुकर शाह आए थे ना। मधुकर शाह, हमने ये भी देख लिया था कि मधुकर शाह किसके अकबर, ये जो रियासत है वो किसके समकालीन चल रही थी? मुगल के समकालीन चल रही थी। किसके? मुगल के समकालीन चल रही थी ये रियासत, है ना। तो मुगल शासन अकबर के समय क्या थे? मधुकर शाह किस ओरछा रियासत के शासक थे। तो अकबर ने क्या मधुकर शाह को अपने दरबार में बुलाया था, पर मधुकर शाह वहाँ पे उपस्थित नहीं हुए थे। तो क्या अकबर ने क्या सादिश खां को कहाँ पे? ओरछा पर भेजा गया था। और मधुकर शाह को हटा के फिर राम शाह को यहाँ का शासन बनाया गया था ना। ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद राम शाह के बाद कौन आया था? राम शाह के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था केशव दास, है ना। ये बहुत प्रमुख कवि है। तो जब हम कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम साहित्य जो केशव दास है उनको मध्यकालीन कवियों में उनको देखेंगे, है ना। इसके बाद कौन? बीर सिंह देव आए थे। बीर सिंह जो बुंदेला है, जिन्होंने बुंदेला स्थापत्य कला की नींव रखी थी, जिन्होंने एक साथ 52 इमारतों के निर्माण करवाया था ना, जिसमें मथुरा का, झांसी का ना प्रमुख मंदिर शामिल है ना। ये सब मैंने आपको इन डिटेल अच्छे से बता दिया था। और वीर सिंह बुंदेला किसके समकालीन थे? ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके? मुगल शासक जहांगीर के समकालीन थे, जिनका वास्तविक नाम क्या है? सलीम, है ना। और ये किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे, है ना। तो जो वीर सिंह बुंदेला का जो संबंध जहांगीर से था वो दोस्ताना संबंध था। तो उन्हीं के कहने पर जो अकबर के प्रिय थे, है ना, उन्हीं के कहने पर जो अकबर के प्रिय कौन है? अबुल फजल, है ना। कौन है? अबुल फसल, है ना। उनकी क्या की थी? 1605 में क्या उनकी मृत्यु की थी? किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फसल की हत्या की थी। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर, ना। तो हमने ये सारी चीज़ें हमारी क्या कंप्लीट हो गई थी लास्ट लेक्चर में, ये हमने कंप्लीट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो वीर सिंह बुंदेला है उनके बाद कौन आए थे? तो वीर सिंह बुंदेला के बाद जुझार सिंह और पहाड़ सिंह आए थे। पहले क्या जुझार सिंह का शासन था, उसके बाद पहाड़ सिंह का शासन था ना। और
और जुझार और पहाड़ सिंह के समय मुगल दरबार में ये किसके समकालीन थे, तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के समकालीन कौन थे? जुझार सिंह और पहाड़ सिंह, है ना। उसके बाद किसका शासन था? जुझार सिंह के बाद तो विक्रमजीत का शासन था, है ना। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1776 से 1817 तक इनका शासन किसका था? विक्रमजीत, है ना। और विक्रमजीत के समय एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, ये आपसे पूछ सकते हैं प्री में, कि जो विक्रमजीत ने ओरछा से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो ओरछा से अपनी राजधानी क्या? टेहरी स्थानांतरित की थी। कहाँ पे? टेहरी को बनाया था कब? 1987 में। तो सन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाकी जो राजधानी है कि कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ओरछा से टेहरी स्थानांतरित की थी, जो कि किसके अंतर्गत आता है? टीकमगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पे? टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। तो राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? तो टेहरी में, है ना। इसके बाद विक्रमजीत के बाद कौन आए थे? धर्मपाल, है ना। कौन आए थे? धर्मपाल आए थे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 1817 से 1834 तक इन्होंने क्या किया था? ओरछा रियासत पर शासन किया था। और इनकी तीन रानियां थी, है ना, मतलब इनकी तीन पत्नियां थी। एक तो गरई रानी थी, एक लड़ई रानी और एक हरई रानी, है ना। ये तीन उनकी पत्नियों के नाम है। तो इसमें क्या, जो गरई रानी ने क्या किया था? जो नजरबाग मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था? टीकमगढ़ में। कहाँ पे? टीकमगढ़ में। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गरई जो नजरबाग मंदिर है वो किस रानी के द्वारा स्थापना की गई थी? तो गरई रानी के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? टीकमगढ़ में, है ना। और लड़ई रानी, उसके बाद हरई रानी। लड़ई रानी का हम आगे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इनका क्या, बुंदेला विद्रोह है उसको दबाने में और जो अंग्रेज की सहायता करने में लड़ाई रानी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ना। और इन जो धर्मपाल है, धर्मपाल के समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इनके समय जो 1818 में क्या हुआ था, 1818 में हेस्टिंग कहाँ पे आए थे? बुंदेलखंड आए थे। कहाँ पे? 1817 में जो जनरल हेस्टिंग है वो कहाँ पे? बुंदेलखंड आए थे। क्यों आए थे? पिंडारियों का दमन करने के लिए कहाँ पे आए थे? बुंदेलखंड आए थे, है ना। क्योंकि बुंदेलखंड में पिंडारियों का बहुत उस समय वर्चस्व हो गया था, इसलिए क्या, हेस्टिंग जो वर्चस्व का दमन करने के लिए कहाँ पे आए थे? बुंदेलखंड आए थे, है ना। और इसके बाद क्या, धर्मपाल के बाद कौन आए थे? धर्मपाल के बाद तेज सिंह आए थे। तेज सिंह ने शासन किया, ना। तेज सिंह के समय क्या हुआ था? तेज सिंह के समय 1835 में, 1835 में क्या, टीकमगढ़ में कौन आए थे? सेलीमैन, है ना, जनरल सेलीमैन आए थे। और इन्होंने क्या किया था? ठगों का दमन किया था, है ना। मतलब जो ठग रहते थे, मतलब चोरी करते थे, उन लोगों का दमन किया था। किसने? सेलीमैन के द्वारा, जो कि कहाँ पे आए थे? टीकमगढ़ में। तो ये दोनों घटनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिंडारियों का दमन करने के लिए कौन आया था और कहाँ पर आए थे और किस सन में आए थे और किस शासन के काल में आए थे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिंडारियों को दमन करने के लिए कौन आए थे? वॉरिंग हेस्टिंग आए थे। कब आए थे? 1817 में। कहाँ पे? बुंदेलखंड में आए थे। और किसके समय आए थे? तो धर्मपाल के समय, है ना। उसी प्रकार जो सेलीमैन है वो किसके दमन के लिए आए थे? ठगों के दमन के लिए आए थे। कहाँ पे? टीकमगढ़ में आए थे। और कब आए थे? 1835 में आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? तेज सिंह के शासनकाल में आए थे, है ना। इसके बाद तेज सिंह का कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने क्या, पुत्र गोद लिया था पुत्र को, तो सुजात सिंह को जो पुत्र गोद लिया था उनको शासक बनाया था। सुजात सिंह आए थे। सुजात सिंह के सेनापति कौन थे? नत्थे का, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है? नत्थे का, है ना। इसके बाद सुजात सिंह ने क्या किया, जो एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो तेज सिंह के समय एक घटना और घटी थी। जो तेज सिंह है उन्होंने क्या, चिरगांव के बखतबली की सहायता की थी। क्या की थी? चिरगांव के बखतबली की सहायता की थी बुंदेला विद्रोह में, है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सुजात सिंह के बाद क्या हुआ था। सुजात सिंह के बाद मतलब शासन का विभाजन हो गया था। और फिर उसके बाद क्या, बुंदेला विद्रोह स्टार्ट हो गया था। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? 1842 में हुआ था, ना। इसको हम इन अच्छे से पढ़ेंगे, बुंदेला विद्रोह, बाद में, है ना।
नेक्स्ट हम देखेंगे जो बुंदेला विद्रोह है वो कब हुआ था, 1842 में। हम बुंदेला विद्रोह को अच्छे से पढ़ेंगे इन डिटेल। जो स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे उसमें क्या हम जो स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का जो विद्रोह है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम इसमें क्या थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो बुंदेल ओरछा रियासत के अंतर्गत बुंदेला विद्रोह में क्या हुआ था ना, तो इसका इन डिटेल अभी हम आगे ही पढ़ लेंगे, है ना। 1842 में हुआ था। और सागर में जो बुंदेला विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया था, तो मेजर सेलीमैन द्वारा। किसके? मेजर सेलीमैन के द्वारा किया था। बस यही इंपॉर्टेंट है कि सागर में किसके द्वारा इसका दमन किया था, तो जो मेजर सेलीमैन है उनके द्वारा दमन किया था, ना। और यहाँ पे हम ये चीजें देखते हैं कि जो बुंदेला विद्रोह है, बुंदेला विद्रोह में जो लड़ई रानी है ना, लड़ई रानी जो कि किसकी पत्नी थी, धर्मपाल की पत्नी थी, इन्होंने क्या जो राजा पारिचित है, पारिचित उनकी क्या उनकी उनको पकड़वाया था अंग्रेजों को। तो ये कहाँ के राजा थे, जयपुर के, है ना। पारिचित राजा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में क्या बुंदेला विद्रोह क्या हुआ था, शुरू हुआ था। क्या हुआ था? पारिचित के जयपुर के राजा पारिचित के नेतृत्व में ही क्या बुंदेला विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ना। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लड़ई रानी है, है ना, लड़ई रानी के द्वारा क्या किया गया था, जो लड़ई रानी है उनके द्वारा क्या किया गया था, 8 से 9 से 10 अगस्त, है ना, 9 से 10 अगस्त 1857 में किसको, नत्थे खां को, है ना, किसको, नत्थे खां, जो कि किसके सेनापति थे, सुजात सिंह के सेनापति थे। नत्थे खां को किसके लिए, किसको पकड़वाने के लिए भेजा गया था, रानी लक्ष्मीबाई को, है ना, रानी लक्ष्मीबाई को पकड़वाने के लिए भेजा गया था। कहाँ पर, है ना, ये कहाँ पर थी, ग्वालियर में थी, तो इनको ग्वालियर भेजा गया था। पर वो रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ नहीं पाए, तो ये कहाँ पे भाग कर आ गए, इन सागर में भाग कर आ गए, है ना, बुंदेलखंड, है ना, सागर बुंदेलखंड के अंदर ये गति आता है। तो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, जो जनरल हुरोज है ना, जनरल हुरोज है उनकी क्या, जनरल हुरोज की क्या, बुंदेलखंड की जो क्रांति हो रही थी उसके दमन में किसने सहायता की थी, नत्थे खां ने, है ना। और लड़ई रानी के बारे में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो लड़ई रानी 1868 में इनकी क्या मृत्यु हो गई थी, और इनको क्या बोलते हैं, ओरछा की विक्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरछा की विक्टोरिया, ओरछा की विक्टोरिया किसको बोलते हैं, ओरछा की विक्टोरिया किसको बोलते हैं, लड़ई रानी को, है ना, लड़ई रानी को क्या बोलते हैं, ओरछा की विक्टोरिया बोलते हैं। इन्होंने क्या अंग्रेजों की सहायता की थी। इसी के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, ओरछा रियासत के अंतर्गत ही क्या बुड़वा, जो बुड़वा मंगल मेला है, एक मेला होता है उस समय, मेला होता था बुड़वा मंगल मेला का आयोजन किया गया। और उस समय क्या कब हुआ था, 1835 में हुआ था। तो जो काशी के प्रमुख राजा है नरेश सिंह नारायण के द्वारा बुड़वा मंगल मेले में क्या जो बुंदे ओरछा रियासत के जो राजा हैं उनको आमंत्रित किया गया था। ओरछा रियासत नहीं, पूरे बुंदेलखंड जो रियासत है उनको आमंत्रित किया था। फिर कब, 1835 में इस मेले में किसने कौन शामिल हुआ था, तो जयपुर के राजा पारिचित और चखरानी के रतन सिंह ने क्या हुआ था, जो बुड़वा मंगल मेला है उसमें भाग लिया था। और उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया था कि जो अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध क्या करेंगे हम, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 1836 में सुपा नामक स्थान पर, बुड़वा मेले का क्या किया, आयोजन किया गया। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया था, तो चरखानी के जो राजा है रतन सिंह के द्वारा जो बुड़वा मेला है उसका क्या किया गया था आयोजन, और उसका नेतृत्व रतन सिंह के द्वारा किया गया था। और अन्य कितनी रियासतों ने भाग लिया था, तो अन्य छोटी छोटी 52 रियासतों ने भाग लिया था, जिसके अंतर्गत सहागढ़ रियासत है ना, चदेरी रियासत है ना, ये छोटी छोटी रियासतों ने क्या लिया था, भाग लिया था। जिसमें क्या सर्वसहमति, मतलब सबकी सहमति से क्या हुआ था, जो बुंदेला विद्रोह है ना, बुंदेला विद्रोह की नींव रखी गई थी 1842 में जो हुआ था,
था उसकी नींव कब रखी गई थी, बुंदेला विद्रोह की नींव कब रखी थी, तो 1836 में बुड़वा मेले में किसकी नींव रखी थी, बुंदेला विद्रोह की नींव रखी थी, जो कि कब हुआ था, 1842 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसको दिया था, इसका नेतृत्व किसको प्रदान किया था, तो राजा पारिजित को, है ना, जो कि कहाँ के राजा थे, जयपुर के राजा थे, कौन थे, पारिजित, है ना। तो हमने क्या, हमारा बुंदेला विद्रोह भी कंप्लीट हो गया और आज हमारी क्या ओरछा रियासत कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चरखानी रियासत पढ़ेंगे, है ना, चरखानी रियासत पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सहागढ़ रियासत देखेंगे, सहागढ़ रियासत के बाद हम चंदेरी बानपुर रियासत देखेंगे, है ना, कौन सी, बानपुर रियासत देखेंगे। उसके बाद हम अजयगढ़ रियासत देखेंगे, है ना। तो हमें बुंदेलखंड के अंतर्गत ये चार रियासत और देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी रियासत है वो उसको मैं आपको जो प्रथम संस्थापक है वो बता दूंगी और जो अंतिम संस्थापक है वो अंतिम जो राजा हुए थे उनके बारे में बता दूंगी और जो विशेष घटना घटित हुई थी उसके बारे में बता दूंगी। ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी भी एग्जाम में एमपी के इतना कुछ नहीं पूछते। बाकी जो इम्पोर्टेंट रियासत है उनको मैं इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।